अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए पढ़ाई का क्या मतलब होता है? मतलब कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई कोर्स किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होटल मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कोर्स। अगर आप कुछ भी कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, दूसरी दूसरी पढ़ाई करते हैं, एनी एक्स वाई जेड जेड स्टडी अगर आप करते हैं, तो उसके लिए आपका मतलब क्या है? मतलब आपका मोटो क्या है? आप क्यों पढ़ते हैं? मैं बताता हूँ आपको आंसर, उसका आंसर। अगर आप मुझसे मेरी डेफिनेशन पूछेगा कि मैं कोई पढ़ाई क्यों करता हूँ या मैं ये पढ़ूंगा तो क्या होगा, एक अल्टीमेट मोटिव है कि हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हमारी लाइफ थोड़ी सेटल्ड हो जाए, हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए और एक सिक्योर्ड लाइफ मिल जाए। दैट्स इट। दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कोर्स। हम कोई भी पढ़ाई इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ जो है अच्छी हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल में तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन होटल के अलावा और दूसरे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं? यू नो, इफ़ यू हैव डन होटल मैनेजमेंट, तो विच ऑल अदर सेक्टर्स यू कैन जॉइन विथ योर होटल मैनेजमेंट डिग्री और डिप्लोमा। गुड इवनिंग गाइज, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि आई एम गोना टॉक अबाउट वेरियस सेक्टर्स जो ओपन हो जाते हैं इफ़ वी डू होटल मैनेजमेंट। मैंने एक छोटा सा लिस्ट बना लिया है अपने पास सो दैट कि मैं भूल नहीं जाऊँ किसी भी स्ट्रीम को। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे जब मैं होटल मैनेजमेंट करने वाला था या कर रहा था, या ऑफ कोर्स आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो बोलते होंगे बॉस होटल मैनेजमेंट मत पढ़ो, सबसे घटिया कोर्स है, सबसे बेकार कोर्स है, एक्स वाई जी। वो आपके दिमाग को दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट योर ब्रेन अवे। मुझे भी बहुत सारे लोग मिले, मैंने भी सबकी बात सुनी, यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। देखिए, होटल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो है कि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर कि टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है हमेशा से, राइट। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि होटल के अलावा आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है। सबसे पहले हम होटल मैनेजमेंट की अगर पढ़ाई की बात करें तो इन दिस स्टडी इन पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट कोर्स वी नॉट ओनली टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट। हम सिर्फ होटल मैनेजमेंट की बात नहीं करते, हमें बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती है, राइट। हमारा कम्युनिकेशन एनहांस होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप कराई जाती है, हमें स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है, लॉ सिखाया जाता है, और एट द एंड ऑफ योर कोर्स यू इरप्ट एज अ पर्सनैलिटी। आप एक पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलते हैं। मतलब लोग, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोगों से बात कर सके, और अगर आपको लोगों से बात करना आता है बीट इन हिंदी और बीट इन इंग्लिश और बीट इन इंग्लिश, तो अगर इफ़ यू हैव द पावर और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ कन्विंसिंग पीपल, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ से खुल जाता है रास्ता सर्विस सेक्टर का। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद सबसे पहली जगह है होटल, कोर होटल्स, जहाँ पर कि आप होटल्स के अंदर जाकर के जॉब कर सकते हैं, एंड दैट ऑल जॉब्स आपको पता ही है। सेकेंड सेक्टर खुल जाता है रेस्टोरेंट्स, कि आप किसी भी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में जाकर के काम शुरू कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ होटल और रेस्टोरेंट के अलावा, मतलब इस हॉस्पिटैलिटी के अलावा आप कहाँ कहाँ पर यू कैन डू योर जॉब, राइट। सबसे पहला आता है रिटेल चेन्स। आप किसी भी प्रकार के रिटेल चेन्स में जॉब ले सकते हैं। रिटेल चेन्स में आदित्य बिरला है, पैंटालूंस है, फ्यूचर ग्रुप है, शॉपर स्टॉप है, देर आर सो मेनी मल्टी कंपनी पार्टनर्स, जो कि आपके ऑब्वियसली आपके कैंपसेज में आएंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम गुड कॉलेजेस और आपके कॉलेज का कैंपस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो यू विल फाइंड सो मेनी रिटेल कंपनीज। और रिटेल कंपनीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स उठाते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर उठाते हैं, सुपरवाइजर उठाते हैं, एंड दे पे यू वेरी गुड। और उनकी उनका भी करियर बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया तो आप रिटेल में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देयर करियर इज ऑल्सो वेरी गुड। मैं यहाँ पर इलेबोरेट नहीं करूँगा सारे डिपार्टमेंट्स को जहाँ जहाँ पर आप जा सकते हैं, बट मैं आपको ब्रीफ आइडिया ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि अगर मैं इलेबोरेट करने लगूँगा तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। देन कम्स योर मल्टीप्लेक्स। आप मल्टीप्लेक्स के अंदर जा सकते हैं, टिकट एजेंट हो गया, ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, मॉल मैनेजर हो गया, सिनेमा मैनेजर हो गया, क्यू लाइन मैनेजर हो गया, देर आर सो मेनी थिंग्स। मल्टीप्लेक्स में पीवीआर है, फन सिटी है, सिनेपोलिस है, देर आर सो मेनी जाइंट्स ऑफ मल्टीप्लेक्स सिनेमाज विच हुआ देर टू टेक यू, और वो हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा फेवर करते हैं। देन कम्स योर QSR। QSR का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसके अंदर कि आपके मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज,
टी जी आई फ्राइडेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का मतलब होता है आप वहाँ पे इजीली मैनेजमेंट ट्रेनी सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर आप इन लेवल पे पोजीशन पहुँच जाते हैं और आपकी सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। देन कम्स योर IRCTC। IRCTC भी एक बहुत ही बड़ा लॉटरी होता है, अगर आपका हो गया तो बेस्ट है आप IRCTC में, अगर आपकी जॉब लग गई IRCTC इज योर इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन, तो आप वहाँ पे जा करके जॉब कर सकते हैं उनके सेंट्रलाइज किचन में। केटरिंग मैनेजर हो गया, रेल मैनेजर हो गया, आपका ट्रेन मैनेजर हो गया, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स है जो इंडियन रेलवेज भी देती है। एंड दे प्रेफर IHM पीपल, सॉरी दे प्रेफर होटल मैनेजमेंट पीपल इन पर्टिकुलर। मेरे कॉलेजेस में तो बहुत आते थे IRCTC के और मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं एंड दे वर्किंग गुड। कुछ दिनों के बाद आप एक को एक बिल्कुल ही मैनेजरियल या डेस्क जॉब मिल जाता है और आपकी लाइफ सेट हो जाती है। फिर आता है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज जैसे कि मैंने आपको एक वीडियोज़ में बता दिया ऑलरेडी फैसिलिटीज़ के बारे में, अगर आपको पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड लुक फॉर दैट फैसिलिटी जॉब ऑल्सो। फैसिलिटी जॉब इज ऑल्सो वेरी वेरी लुक्रेटिव। देन कम्स योर हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में आपको इंडिया में अब्रॉड में बहुत ही ईजी नौकरी मिल जाती है। देयर आर 500 हॉस्पिटल्स विच आर रेडी टू हायर हॉस्पिटैलिटी पीपल। फोर्टिस, मैक्स, यू नो दीज आर सम 5-स्टार लेवल हॉस्पिटल जहाँ पर कि गेस्ट को बड़ी पर्सनलाइज सर्विस देने की जरूरत है, या गेस्ट का एक मैनेजर चाहिए, पेशेंट मैनेजर हो गया, या आपका फार्मेसी का कोई मैनेजर हो गया, तो यहाँ पर दे ऑल्सो प्रोवाइड। जहाँ पर गेस्ट से बात करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों से बात करने की ज़रूरत है, दे टेक हॉस्पिटैलिटी पीपल, दैट्स फॉर श्योर। आप जा सकते हैं टूर एंड ट्रैवल्स कंपनीज में, कॉक्स एंड किंग्स हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया, यू नो क्लियर ट्रिप हो गया, दे ऑल हायर गुड पीपल। ये सब जो है एजेंट्स हैं, टूर एंड ट्रैवल एजेंट जितने भी हैं, ये हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि होटल मैनेजमेंट के लड़के हैं, इनको पता है दे हैव लर्न द सॉफ्ट स्किल्स, इनको बात करनी आती है, इनके पास एक गेस्ट का इज्जत होता है, दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो हाउ टू स्माइल, दे नो हाउ टू रिएक्ट, दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, एंड दे प्रेफर हॉस्पिटैलिटी पीपल। और इसमें भी आपका करियर बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होता है। आप फ्लाइट केटरिंग के अंदर जा सकते हैं, जैसे ताज का सैट्स चलता है, आपका कतर एयरवेज का, एमिरेट्स का, आप फ्लाइट केटरिंग में जा सकते हैं। फ्लाइट केटरिंग में बेसिकली आप किचन वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जहाँ पर कि आपका बेस रहता है कोई भी किचन का, एंड यू गाइस जस्ट सेटल डाउन, प्रिपेयर फूड। और जो भी फ्लाइट्स में हम, जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट में तो आपको खरीद के खाना पड़ता है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ फ्लाइट केटरिंग। इंटरनेशनल फ्लाइट में आप जाएंगे तो बड़ी आपको पर्सनलाइज सी खाने का बॉक्स बना के दिया जाएगा। तो दीज ऑल आर कुक्ड एंड प्रिपेयर्ड बाई द फ्लाइट केटरिंग कंपनी। नाउ कम्स अबाउट एविएशन। आप एविएशन में जा सकते हैं, एविएशन में आप केबिन क्रू में जा सकते हैं, आप किसी भी आप बड़ी एयरलाइंस कंपनी का जिसमें आपको जाने का मन है, आप पहले ये पता करो कि इसमें लड़के जा सकते हैं कि नहीं। लड़कियां तो ऑब्वियसली जा सकती हैं, लड़के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। उसके बाद यू गो टू द करियर वेबसाइट। करियर वेबसाइट में जाने के बाद आप उस पर अप्लाई करो, गिव अ वॉक इन इंटरव्यू। इंडियन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल हर तरह का है। अगर आपका केबिन क्रू में नहीं होता, यू कैन अप्लाई फॉर अ ग्राउंड स्टाफ। सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप या तो होटल के सेल्स में चले गए, या किसी भी आप मल्टीप्लेक्स के सेल्स में चले गए। मतलब क्योंकि देखो बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन तो आती है, तो दैट कैन हेल्प यू। फिर आप बैंक्स में जा सकते हैं। बैंक्स में जाने का मतलब होता है कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी, बहुत सारे बड़े बड़े मल्टी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे HDFC हो गया, आपका यस बैंक हो गया, योर एक्सिस बैंक हो गया, दे ऑल हायर होटल मैनेजमेंट पीपल। मेरे बहुत सारे मतलब मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने, जो बैंक में हैं अभी, कोर हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आपका FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि कोई भी आपका टूरिज्म, ITDC का कोई भी सेंटर ले लो, उसकी मेस पकड़ लो, या ITDC का कोई आप यू नो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पकड़ लो, कहीं पे भी यू नो देर आर वैकेंसीज फ्लोटिंग ऑल अराउंड। यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपको अवेयर हो रहा है कि मार्केट में देर आर वैकेंसीज, यू आर गोइंग, यू आर इंटरेस्टेड, यू आर अप्लाइंग, यू आर गिविंग इंटरव्यूज, यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, अगर आपका एक जगह नहीं हो रहा है, यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ, यू नो, तब आप जा सकते हैं। तो उन लोगों के बात में भूल भुलावे में मत रहिए कि होटल मैनेजमेंट करने का नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। आप अगर एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आपका जो स्ट्रीम है बड़ा सिकुड़ जाता है। कि अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको तो बॉस इसमें ही काम करना पड़ेगा। एक इंजीनियर है, अगर उसको किसी मल्टीप्लेक्स में काम में लगा दिया जाएगा, हो सकता है वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में उसने सॉफ्ट स्किल्स नहीं सीखी है, बट आपके अंदर में वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स कूट कर भर दी गई है, एंड दैट इज़ गोना टेक यू हाई। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ पर फिट बैठते हो। आप यहाँ पे फिट बैठते हो या यहाँ फिट पे बैठते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट, रिलैक्स एंड गिव योरसेल्फ सम टाइम टू थिंक कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने अंदर से, इनर सोल से बात करके ये पता करनी पड़ेगी कि वेयर आर यू फिट इन। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप एक जगह पकड़िए। इफ़ यू आर फाइंडिंग इंटरेस्ट इन द जॉब, जॉब करिए, जॉब के अंदर एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए उस काम को,
देर आर प्रोमोशन हैपनिंग, देर आर सैलरी हाइक हैपनिंग, अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, एटीट्यूड है तो नो बडी कैन स्टॉप यू। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप अवेयर हो जाएं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद सबसे पहली बात तो है कि लोग मुझसे पूछते हैं 100% जॉब गारंटी है कि नहीं, 100% नहीं 1000% जॉब गारंटी है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसीज की भरमार है, इसके अंदर सेक्टर्स का एक बड़ा ही प्रचंड ब्रह्मांड है, यू नो। सो यू नीड टू बी फोकस्ड इन दैट वे। सो आई होप दिस वीडियो विल ओपन अप योर आइज एंड यू गाइज आर गोना टेक हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट सीरियसली। ऑल द बेस्ट गाइज, जो भी होटल मैनेजमेंट एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल लें, जिन्होंने ले लिया रिग्रेट नहीं करें, दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। दिस इज आनंद मिश्रा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।